क्या आपने कभी सोचा है कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स में भी डिफरेंसेस क्यों होते हैं? जैसे हम सबको मालूम है कि दोनों का जेनेटिक मेकअप तो एग्जैक्टली सेम होता है, फिर भी उनके स्वभाव में कोई डिफरेंसेस रहते हैं, उनके लाइकिंग्स में, उनके क्लोथ्स में, उनके स्टाइल्स में, खाने में, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें ध्यान में आते हैं। हेलो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल जीन्स ही हमारे सारे स्वभाव या अन्य गुणधर्मों को सिर्फ डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो उसमें से जीन एक्सप्रेशन के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हुए तो सप्रेशन ऑफ जीन और एक्सप्रेशन ऑफ जीन भी चेंज होता है। और ये सारे चीज़ों का अभ्यास एपिजेनेटिक्स नाम के नए ब्रांच में किया जाता है। तो एपिजेनेटिक्स क्या कहता है? कि जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, और हम गर्भ संस्कार में वैसा ही एनवायरनमेंट, अच्छा संतुलित पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसके कारण अच्छे जीन एक्सप्रेस हो और डिफेक्टिव जीन सप्रेस हो।